ग्रेडिंग सिस्टम भी शुरू कर दिया गया है, क्योंकि ग्रेडिंग सिस्टम में सिर्फ पहले अंक मार्कशीट मिलती थी मार्क्स के होड़ में, या उसमें कहीं से कैसे मैनेजर ही कुछ लोग छात्र कर लेते थे, किसी काबिल छात्र के मार्क्स कम और नाकाबिल के मार्क्स कभी कभी ज्यादा हो जाते थे, उसको रोकने के लिए ग्रेडिंग सिस्टम शुरू किया। और ग्रेडिंग भी सिर्फ उनकी पढ़ाई से नहीं, चहुमुखी व्यक्तित्व से तय की जाएगी, यानी और उसमें सबका सहयोग होगा, अभिभावकों का सहयोग होगा, छात्रों का सहयोग होगा, उसके सहपाठियों का, उसके विद्यालय में पढ़ाने वाले टीचर्स का, इन सब का सहयोग और उसकी पढ़ाई का, उससे ग्रेडिंग तय होगी। तो उसके सर्वांगीण व्यक्तित्व के हिसाब से ग्रेडिंग तय होगी। ये नया आयाम होगा शुरू, और इसमें आगे बढ़ चले हैं। स्मार्ट क्लास बनाई जाएंगे तकनीक से जोड़ने के लिए, स्मार्ट लैब्स बनाई जाएगी तकनीक से जोड़ने के लिए। इस सब में काम शुरू हो चुका है, और जैसा मैंने कहा टैबलेट बढ़ चुके हैं, फीस कम हो चुकी है, आगे ग्रेडिंग सिस्टम शुरू हो गया है, तो ये सब चल रहा है धीरे धीरे। अभी 5 साल में पूरे सिस्टम को खड़ा करना है, क्योंकि बरसों की खत्म की हुई शिक्षा पद्धति को, एक बर्बाद की हुई शिक्षा को हमें उसको लाना है। पिछले 5 साल में यदि मैं ये कहूँ कि योगी जी पटरी पर ला पाए हैं पूरे विषय को, अब हमको उस पटरी पर दौड़ा रहा है शिक्षक। मैंने कहा ना कि देखिए धीरे धीरे परवान चढ़ रही है, कुछ स्टेप मैंने बताए हो चुके हैं, और ज्यादा से ज्यादा हाँ, देख ऐसा है कि हम 5 साल में पूरी तरह शिक्षा नीति को लागू कर देंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप दोस्त हमने उसके बना रखे हैं कि 100 दिन में इतना, 1 साल में इतना, 2 साल में इतना, 5 साल में पूरी शिक्षा नीति लागू हो जाएगी। देखिए सबसे पहले तो जैसे पहला हुआ शिक्षा, जो अभी तक लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा नीति थी, शिक्षा पद्धति थी, उसको बदल रहे हैं, उसको बदलने जा रही है, तो उससे नए तरह से शिक्षा आएगी। दूसरी तरफ जो आपने कहा कि संसाधनों के अभाव में और या शिक्षा माफियाओं की ग्रिप में, शिक्षा एक पिछले किसी भी प्रदेश की